हेलो गाइस, मुझे आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट हसनैन फारूक और आज सैटरडे है और अभी मामू जान की पास में गया था। अभी जो जिनकी शॉप है खाद, जहाँ पे मैं बैठता हूँ तौफीक भाई के साथ, जहाँ पे खाद का नहीं उनको शॉप है। असल में जो मेरे सब्सक्राइबर ने मालूम होगा कि उनकी ज़मीनें हैं आकिल में ना, तो कह रहे हैं कि आज छुट्टी है तो मुझे आकिल चलते हैं, आप बाइक लाए हो तो बाइक पे आकर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे भी इस बारे में बातें भी होंगी। लारकाना में जो था ट्रांसफ़र का आसरा, वही समझो 100% ख़त्म हो गया है। एक मिनट, ये ज़रा मामू जान का शॉप पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाइस मैंने फ्यूल डलवाया भी, हमने असल में दादू में जो लास्ट टाइम मैंने डलवाया था उसके बाद डलवाया नहीं है। खैर अच्छी बात है, पेट्रोल 10 रुपये कम हुआ है, 260 का हो गया है अभी, तो पता मुझे आज चला है। हालांकि 3-4 दिन तो हो गए मेरे ख्याल से इसको, लेकिन फ्यूल मैंने आज डलवाया तो इसलिए मुझे पता ही आज चला है। तो बारिश के बाद गाइस काफ़ी जो है मौसम अच्छा हो गया, और अच्छा हुआ कि नहीं गए गोरा की तरफ, क्योंकि बारिश का मौसम है और वहाँ भी मैंने ज़रा नेट पे सर्च किया कि वहाँ फिर बारिश का मौसम है गोरख पे। तो इंशाल्लाह जुलाई अगस्त को बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं ज़रूर जाऊँगा जुलाई अगस्त में, 16 ही जाऊँगा। और हमारे जो माँ बाप हैं यहाँ के, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ जितने जो देसी माँ बाप हैं वो इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। फिर उनके अब क्या करें, अब मुंह देना पड़ता है। अच्छा, जब से आपने देखा होगा कि मैंने न्यू हेलमेट लिया है, तो मैंने अभी स्टैंडर्ड मोड किया। हालांकि पहले मेरा एंगल था बाइक मोड, और मैंने एक व्लॉग में बोला भी था कि बाइक मोड ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत स्टैंडर्ड मोड से ना वीडियो। हालांकि क्योंकि बाइक मोड में ज़्यादा जो है वाइड एंगल आता है, लेकिन उसमें ज़रा वीडियो ज़रा थोड़ी बहुत शेकी हो जाती है, ज़रा वो मतलब बैलेंस में नहीं रहती। तो स्टैंडर्ड में यह होता है कि बैलेंस में रहती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैंने इसमें बाइक मोड भी मैंने चला के देखा, लेकिन इसमें वो जो मैंने असल में ना, ये जो कवर है, कवर का एक दूसरा एक कैमरा के ऊपर एक कवर होता है, जो ढक्कन होता है, एक होता है प्रोटेक्शन के लिए जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हो, जब आप कैमरा बंद करते हो तो एक होता है इसका समझे ढक्कन होता है जो कैमरा बंद करते हैं, और जब आप वीडियो शूट करते हो तो उसके लिए एक अलग से होता है, एक गोल गोल सा जो आप देख भी रहे होंगे ये वाला। तो जो पुराना हेलमेट था ना बाइक मोड में या स्टैंडर्ड मोड में मैं करता था, नहीं उसमें मैंने स्टैंडर्ड मोड में कभी नहीं चलाया, बाइक मोड में मैंने चलाया था। तो उसमें आपको ना मतलब ये हल्के हल्के पर्दे नज़र आया करते थे। अब इस पर मैंने कभी बाइक मोड पे मैंने अभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने ऐसे ही चेक किया तो उसमें भी इसमें नज़र नहीं आ रहा था। तो शायद इस पर सही तरीके से जो है माउंट है, उस पर सही माउंट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जो आगे का हिस्सा छोटा था और उस पर तो ज़बरदस्त मतलब बाइक है जो है माउंट है इस हेलमेट में। फिर कई लोगों ने, एक दो लोगों ने पूछा भी यार हेलमेट ज़बरदस्त है, मैंने कहा यार, मैंने पूछ रहे थे, मैंने कहा 9,000 रुपीज़ का है। होंडा में मैंने देखा ना दो ही किस्म के आते हैं, एक ये वाला, एक दूसरा जो एक जो मेरे पिछला वाला था, एक ये वाला, बस दो ही हैं। पिछला वाला था मुझे 2700 का पड़ा था, ये मुझे 9,000 का पड़ा। ये आकिल हम पहुँच गए गाँव, और यहाँ पे ज़्यादा थोड़े हाँ हल्के हल्के जो है रफ़ रोड हैं, और इस एंगल का वगैरह भी सही तरीके से पता चलेगा कि सही एंगल है। हालांकि पता तो चल गया क्योंकि दो ब्लॉक्स मैंने इस हेलमेट में रात के वक्त बनाए, लेकिन दिन के वक्त ज़्यादा पता चलेगा। और आज है सैटरडे, मैंने आपको बताया नहीं बताया, तो बस थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आपसे लेंगे इजाज़त। हालांकि आपको गाँव 4-5 दफ़ा तो दिखा चुका हूँ इस ब्लॉग्स में, लेकिन मैं इतना आगे इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आगे ज़रा और मतलब थोड़े ओ
मतलब रफ रोड आने वाले हैं। तो उसमें हमें पता चलेगा एंगल किसका सही है कि नहीं है सही। हालांकि पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि मैंने एक माउंट भी मंगवाया है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन चाइना से आएगा, उसमें लगते हैं 3-4 हफ्ते लग जाते हैं यार। तीन हफ्ते लग जाते हैं, 4 हफ्ते नहीं, कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 हफ्ते ही लगते हैं। देख सकते हैं ना कि अच्छा 110 में ये हो, ये मुझे यार, हालांकि उस दिन हमने 110 चलाई थी, जंपर भी अच्छे खासे थे, लेकिन कहीं नीचे लग तो नहीं रही थी, हालांकि 3 लोग हम बैठे हुए थे। अच्छा इस रोड पे नहीं चलाई मैंने, बहरहाल यार जबरदस्त गाड़ी है 110 यार। ये नहीं कह रहा, ये कि मेरा कहने का नहीं है कि अब सीजी से मैंने इतना घूमा तो मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन यार बात ये है कि वो कंफर्ट नहीं है सीजी में ना। असल में मैंने जैसे कि आपसे कहा था ना कि 300 किलोमीटर, अगर 200 किलोमीटर तक आप ऐड करते हो ना, 150-200, फिर तो ठीक है, लेकिन 150 से ऊपर जो, फिर 200 से ऊपर जो है ना, फिर आपको तंग करती है वाइब्रेशन की वजह से ना। तो फिलहाल मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त, अपना ख्याल कीजिएगा गाइस। Bye bye guys.